हेलो एंड वेलकम टू वाटर किंगडम। और आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैंने वाटर किंगडम क्यों बोला, टेली मसाला क्यों नहीं बोला। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ हैं वाटर किंगडम में तीन बड़े बड़े आर्टिस्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं आपको बता दूं, ये हैं हमारे वीर जी यानी कि भावेश, ये हमारी प्यारी सी सलोनी, और इधर आप देख सकते हैं हमारी सुरभि यानी वेल नोन एज सुरभि एंड सबसे पहले स्वागत है आपका टेली मसाला में एंड वाटर किंगडम में भी। कितने ज्यादा एंजॉय करने वाले हो आप? हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे। और आज पता चलेगा भावेश जितना स्ट्रॉन्ग बनता है कितना है स्ट्रॉन्गेस्ट लियत में। अच्छा, कितनी ज्यादा वॉट लगाने वाली है आप दोनों मिलके भावेश की? अभी तो स्टार्ट, बहुत ज्यादा वाट लगाने वाले इसकी, वाट लगा रहे अभी। स्टार्ट नहीं है, मैं भोला वाला सीधा सा बच्चा हूँ, लड़की बोलती रहती है मैं सुनता रहता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। अच्छा सलोनी, हम जब चूंकि अब यहाँ पे हैं और आप भी हमारे साथ हैं तो एक प्यारा सा मिमिक्री तो बनता ही है, क्या कहना चाहेंगे आप? गंगूबाई का एक शेर सुनाती है, फिजाए कहती है प्यार करो, वाह वाह तो बोलो, फिजाए कहती है प्यार करो, बाहर कहती है आंखें चार करो, मगर स्कूल वाले कहते हैं पहले पांच भी तो पास करो। तो इसी के साथ हम आप लोगों को कह दें कि आप लोग जाओ चेंज वेंज करके आओ, उसके बाद फिर हम लोग मजे करते हैं एसएल वर्ल्ड में, मिलते हैं उनसे अंदर में। चलो चलिए जाओ अब, बता लिया है, बाय 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 बाय। तो हम आपको बता दें कि जब वाटर किंगडम में पहुंचे हैं तो बच्चों को देख सकते हो आप, सबने चेंज कर लिया है। तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द शो? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई जस्ट वांट टू गो इनसाइड द वाटर नाउ, फीलिंग वेरी हॉट इन मुंबई। सलोनी, कितना एक्सपेक्ट है आपको, मतलब कितने अंदर तक जाओगी पानी में? मुझे सारे स्लाइड्स करने हैं, मुझे बहुत मजा आता है तो बहुत एक्साइटेड हूं। भावेश, आपका क्या हाथ में कुछ लिया आपने, हाथ दिखाओ क्या पकड़ा है आपने हाथ में? ये ना हमारे स्कूल का प्रमोशन कर रहा है और वैसे ही कपड़े पहन कर आया है, बिल्कुल ये एक्वा 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 डाइव वाइव सब है। अभी एब्स रिवील नहीं करने थे, ओह माय गॉड, जल्दी होंगे। जल्द मेरी लीड मूवी में होंगे एब्स रिवील। ऑलराइट, तो फिर चलते हैं अंदर। चलो अब अगर हम लोग वाटर किंगडम में पहुंचे हैं तो राइड्स को भला हम कैसे मिस कर सकते हैं। वहां पे आप देख सकते हो भावेश को, देखिए सबसे पहले बच्चों वाली राइड्स कर रहे हैं डरपोक। तो रोशनी राइड है एंड बहुत प्यारा राइड लग रहा है, कैसे मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली आप लोग इस तरह की राइड्स करते हो? देखो तो ये राइड करने में बहुत डर लगा था, अरे बाप रे, उधर जब हार्ट बीट हाथ में आ गया है, बस मत जा। आप लोगों ने भावेश का नया टैटू देखा? भावेश टैटू तो रुको, जैसा कि भावेश ने कहा है, तो पहले हम बड़े बड़े राइड्स पे जाएंगे, उसके बाद सबसे बड़ी राइड्स पे जाएंगे। ऑलराइट, फिर जाइए आप लोग। जहाँ हम लोगों ने देखा कि बच्चियाँ छोटे वाले राइड ले रही थी, वहीं भावेश ने एकदम बड़ा वाला, क्या छोटे वाले राइड, क्या स्ट्रॉन्ग साबित करना चाह रहे थे? कौन क्यों छोटे वाले राइड, बड़े वाले क्यों नहीं लिया? एक्चुअली बड़े वाले में हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि ये तो नाजुक सा है, हम लोग थोड़े वो है ना, हट्टे कट्टे, तो वही राइड टूट जाती थी, इनको डर था। हां, और राइड टूट जाती है, हां, हम लोग इतना कर चुका ना अभी जस्ट। अच्छा, हाउ डज इट फील इतने बड़े से, इतना ऊंचे से नीचे? बहुत अच्छे में, बहुत मजा आता है। खतरों के खिलाड़ी तो ही ना कर रहा है, ऐसा बोल रहे हो? अरे लेकिन रियली स्केरी है। तो नवीन भैया जा रहे हैं अब। अरे बहुत अच्छा, मजा है, बहुत मजा आते हैं, पर जब जाने वाले होते हैं ना तब वाट लग जाती है। अच्छा, पैंट वहीं छोड़ के आए हो, दिख रहा है वहां पे। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो। चलो चलते हैं कहीं और, किसी और राइड पे।
इतने सारे राइड्स के बाद मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग आ पहुंचे हैं एलिफेंट राइड के पास। और देखो, जैसा कि मैं देख सकता हूं, ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ये वाली में मेवा सलोनी पहली बार साथ जाने वाले हैं। और ये हाथ में क्या पकड़े हो आप लोगों ने, इसमें क्या है, क्या ट्यूब्स है जिसकी वजह से हम लोग जाएंगे एक साथ बैठ के। ऑलराइट, तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इसके लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत मजा आने वाला है शायद। हमें तो पता है पूरा मजा आने वाला है। ऑलराइट, तो फिर मार्च पास एक एक करके। हम भी जानते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा मजे किए आज वाटर किंगडम पे। कितना मजा आया आज? बहुत मजा आया। हम लोगों ने एलिफेंट सफारी, रॉक एंड रोल, वेव्स, ओ माय गॉड, वेव्स तो हालत खराब हो गई। भाविश ने बोला क्या? मुझे सबसे ज्यादा मजा इसमें आया और वेव पूल में आया, कूदने में बहुत मजा आ रहा था। भाविश, वो पानी की टैंक, पानी का वो जो टैंक सिर पे गिर रहा था, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में तो औसम ही था। हम लोग ने अलग आइडिया से लिया था, हम लोग पीछे से खड़े थे, हमें पता नहीं चल रहा था कब आने वाला है पानी। सब लोग बोल रहे आया आया, हम लोग कड़क आया क्यों नहीं और अचानक से आ गया। अच्छा, अब चूंकि आप लोग बड़े ज़्यादा मज़े कर चुके हो, तो मतलब अब कितनी फ्रिक्वेंटली आने वाले हो अब यहाँ पे? देखते हैं। अभी तो वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ। अब मैं, भावेश और सलोनी, हम सब आएंगे। हम गोवा नहीं जाएंगे, गोवा नहीं जाएंगे सर। हम आपके फैंस, आप तीनों के फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे कि यहाँ पे आए और मजे करें, कुछ ऐसा कहना चाहोगे? अभी बॉम्बे में बहुत गर्मी है, मैंने जानती हूँ आप लोग के शहर में गर्मी है या नहीं, मेरी आवाज़ भी बैठ गई, लेकिन तो भी आप लोग आओ यहाँ पे, चिल्लाओ और हमारी तरह अपनी आवाज़ बैठाओ। इन्जॉय अलॉट एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, दोनों आओ। टेनी मसाला के साथ भी आओ, मस्ती करो। सलोनी, अपने अंदाज में आप बोलो। मैं गंगू भाई कहना चाहती हूँ कि सारे लोग यहाँ पे और मस्ती करो। और वीर जी, कुछ कहना नहीं चाहोगे जाते जाते? इतना बोलूँगा, यहाँ पे आओ, बहुत मजा आएंगे। जितना भी आपका मूड खराब हो, तबीयत वबीयत खराब हो, ऐसा मत सोचो कि आके और तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ, मजे करोगे, तबीयत और ठीक हो जाएगी। पाव भाजी जरूर खाना, भावेश ने बहुत खाया। और जाते जाते फैंस को एक बार बाय कर दीजिए आप लोग अपने तरफ से। बाय। इसी के साथ हम ये भी कहेंगे कि अगर आप वाटर किंगडम नहीं आए हो तो फिर आओ और मज़े लो। वैसे भी मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आपको आना चाहिए। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।